अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने दोपहर 3:25 पर भारतीय उपग्रह RESET-2 BR-1 और 4 अन्य देशों के 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। यह प्रक्षेपण PSLV-C-48 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। RESET-2 BR-1 राडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह बादलों और अंधेरे में भी साफ तस्वीर ले सकता है। अर्थ इमेजेशन कैमरे और राडार तकनीक के चलते यह मुठभेड़ घुसपैठ के वक्त सेना के लिए मददगार होगा। RESET-2 BR-1 और 4 अन्य देशों के 9 सैटेलाइट सफलतापूर्वक अपने संबंधित कक्षा में स्थापित कर दिए गए। RESET-2 BR-1 5 साल तक काम करेगा। इससे राडार इमेजिंग कई गुना बेहतर हो जाएगी। इसमें 0.35 मीटर रिजोल्यूशन का कैमरा है, यानी यह 35 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो चीजों की अलग अलग और स्पष्ट पहचान कर सकता है। यह सीमावर्ती इलाकों में आतंकी गतिविधियों और घुसपैठ पर नजर रखेगा। इससे तीनों सेनाओं और सुरक्षा बलों को मदद मिलेगी। इसका वजन 628 किलोग्राम है। इसरो रिसेट सीरीज के अगले उपग्रह RESET-2 BR-2 की लॉन्चिंग भी इसी महीने करेगा। इसके बाद एक और सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, हालांकि इनकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को एक दिन में किसी एक स्थान पर सतत निगरानी के लिए अंतरिक्ष में कम से कम 4 रिसेट की जरूरत है। किसी एनकाउंटर या घुसपैठ के समय ये चारों सैटेलाइट उपयोगी होंगे। 6 मार्च तक इसरो के 13 मिशन कतार में हैं। इसमें 6 बड़े व्हीकल के मिशन हैं, जबकि 7 सैटेलाइट मिशन हैं। लॉन्च किए जाने वाले इसराइल उपग्रह का नाम DUCHIFATAT-3 है। इसे इसराइल की हर्जलिया विज्ञान केंद्र और शार हेनेगेव हाई स्कूल के 2 छात्रों ने मिलकर बनाया है। यह सिर्फ 2.3 किलोग्राम का है। यह एजुकेशनल सैटेलाइट है। इस पर लगा कैमरा अर्थ इमेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि रेडियो ट्रांसपोंडर वायु और जल प्रदूषण पर शोध करने और जंगलों पर नजर रखने के काम आएगा। इसे बनाने वाले तीनों इसराइल छात्र भी प्रक्षेपण के समय सतीश धवन केंद्र में मौजूद रहेंगे। RESET-2 BR-1 की लॉन्चिंग के बाद इसरो इस सीरीज का तीसरा RESET-2 BR-2 इसी महीने के अंत तक लॉन्च करेगा। इसके बाद एक और सैटेलाइट लॉन्च होगा। सुरक्षा एजेंसियों को एक दिन में किसी एक स्थान पर सतत निगरानी के लिए अंतरिक्ष में कम से कम 4 रिसेट की जरूरत है। ऐसे में किसी एनकाउंटर या घुसपैठ के समय ये चारों सैटेलाइट उपयोगी होंगे। PSLV रॉकेट की यह 50वीं लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 75वां रॉकेट होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के फर्स्ट लॉन्च पैड से किया जाने वाला यह 37वां प्रक्षेपण है। लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।